नमस्कार, ऋतुपर्णा डायरी में आप सबका स्वागत है। आज उड़ीसा का एक फेमस फेस्टिवल है प्रथमाष्टमी, उन लोगों के घर से मुझे इनविटेशन मिला है। चलते हैं, आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। देखिए किस तरह घर को सजाया हुआ है। मतलब सिर्फ आज का दिन नहीं, हर त्योहारों में वो लोग इसी तरह घर को सजाते हैं, इसी तरह डिजाइन करते हैं। जैसे हम बंगाली लोग घर के चौखाटों में, आंगन में इस तरह करते हैं ना, इसी तरह। मेरी जो लैंड लेडी है वो जॉब करते हैं, फिर भी समय निकालकर हर त्योहारों में वो इसी तरह घर को सजाती है, आंगन को, सीढ़ियों को, घर के चौखाटों को, सबको। ये जो सफ़ेद वाला डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये चावल को पेस्ट करके उसे पानी में मिलाकर एक घोल बनाया जाता है, फिर उसको उंगली की मदद से इस तरह किया जाता है। ये साइड में लोटस, ये लक्ष्मी जी की पा, मतलब इसी तरह वो लोग इसे जताते हैं कि लक्ष्मी जी इसी तरह उनके घर में पैर रखती है, जो हर किसी के घर में होता है। ये देखिए, और ये जो चौखट में जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये हर वक्त उन लोगों के घर में रहता है। फिर जब नए फेस्टिवल आएगा तब ये डिज़ाइन को पोंछ के फिर से नए तरीके से नया डिज़ाइन बनाया जाएगा। हर सुबह 7 से 7:30 के बीच मेरी लैंड लेडी यहाँ पूजा करती है, एकदम निष्ठा और भक्ति के साथ। उनकी दो बेटे हैं। पूजा करने के बाद घर के सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, खुद रेडी होना, और फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के खुद ऑफिस चले जाते हैं। और हर फेस्टिवल में घर को इसी तरह सजाती है। उन्हें देख के ना मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो 1 घंटे में उनकी पूजा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी कुकिंग ख़त्म करके उन लोगों के घर जाऊंगी। तो आज बहुत सिंपल सा कुकिंग होने वाला है। ये बंगाली घीमे साग है। वैसे तो ये वेस्ट बंगाल में बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उड़िया में ये मिलना लगभग छोटा मोटा लॉटरी जीतना। तो आलू को छोटे छोटे कट करके इसको नमक, हल्दी, मिर्च के साथ बनाया जाता है। स्वाद में ये साग थोड़ी सी कड़वी होती है। जितने भी इसे नमक मिर्च के साथ मिलाया जाए, ये कड़वी ही रहते हैं। तो प्रथमाष्टमी कार्तिक पूर्णिमा के 8वें दिन आता है। रीति रिवाजों के अनुसार परिवार के जो पहले जन्मे बच्चे होते हैं उनकी पूजा की जाती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। मैं यहाँ सरसों के तेल यूज़ कर रही हूँ। उसमें सूखी लाल मिर्च 5 फोड़न देकर फिर मैं आलू को इस तरह डाल दूंगी और हल्के हाथों इसे स्टर फ्राई कर दूंगी। बस कुछ ही मिनट मैं इसमें रखूंगी और फिर मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने से ही आलू जल्दी फ्राई हो जाते हैं और आलू के बीच भी नमक घुस जाती है, तो स्वाद में अच्छा लगता है। अच्छे से इसे मिलाकर मैं ढक्कन ढक दूंगी। आप चाहे तो इसे इसी तरह रख सकते हैं, ढक्कन ढकने से जल्दी पकते हैं। और फिर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। फिर आलू के साथ सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लूंगी। कुछ मिनट के बाद मैं इसमें घी में साग डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिलाकर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। साग जब नरम हो जाए मैं इसमें डाल दूंगी सरसों के पेस्ट। फिर अच्छे से मिलाकर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। आप चाहे तो इस वक्त पानी डालने के बाद आप ढक्कन ढक सकते हैं। जार में जितना सरसों लगे हुए थे मैं उसी को धोकर थोड़ी सी पानी डाल दी है। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। जिस तरह हम भगवान को पूजा करते हैं, उसी तरह माँ भी अपने बच्चे को पूजा करती है। पूजा करते वक्त माँ उसकी प्रशंसा करती है, उसको सुख समृद्धि मिले ये कामना करती है, कहती है उसको हर खुशियाँ मिले, सक्सेस मिले। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये पूजा वाली स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, क्योंकि हर घर में ये अलाउड नहीं होता। मेरा साग भी लगभग रेडी है। ये इंदूरी नाम का एक पीठा है जो मुझे प्रसाद के तौर पे मिला है। ये चावल और नारियल से बनता है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कोई भी ब्लॉग मिस नहीं करना चाहते तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक खुश रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।